और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेता। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए सभी लोग पहुंचे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी उनके साथ पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बैठक होगी जिसमें दिल्ली पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से आज बैठक होनी है और दिग्गज नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, इसको लेकर अपडेट क्या मिल रही है अभी? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। कई बड़े प्रमुख नेता जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोडियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये तमाम नेता जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान से इनकी जो है बैठक होती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि राहुल गांधी से भी इन नेताओं की जो है मुलाकात होती हुई नजर आए। लेकिन केंद्रीय आलाकमान के साथ बैठक जो है अभी तक फिक्स जो है ये पूरी तरीके से कंफर्मेशन है और किस तरीके से विवाद को सुलझाया जा सकता है ताकि जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ जो है उतरती हुई नजर आए, इसको लेकर जो है बड़ी चिंतन और मंथन जो है आज की इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है तो आलाकमान की तरफ से कुछ अहम दिशा निर्देश भी नेताओं को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आलाकमान जो है पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए, हमने देखा कि पिछले 2-4 दिनों में किस तरीके का घटनाक्रम जो है देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़े नेता के तौर पर भी देखे जाते हैं हरीश रावत, उन्होंने ट्वीट करके अपनी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं जताई और कहा कि संगठन का साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उनको मनाने की कोशिश भी होती हुई नजर आई। तो ऐसे में तमाम जो नेता है वो एक साथ मिलकर जो है लड़ते हुए नजर आए, जिसमें प्रदेश के जो प्रभारी हैं उनकी बात करें देवेंद्र यादव या फिर तमाम नेताओं की बात की जाए, वो सामूहिक रूप से किस तरीके से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं ताकि उन्हें जो फायदा है वो कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिले, इसको लेकर आज जो है केंद्रीय आलाकमान कहीं ना कहीं बड़ी बैठक करता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि उसमें कुछ निर्णय भी लिए जाए। बिल्कुल, तो स्पर्श, पूर्व मुख्यमंत्री गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह तो यहाँ पर मौजूद ही रहेंगे, और कौन कौन नेता है जो वहां पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, आप बात करें इस बैठक की तो प्रदेश के जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये कुछ जो चेहरे हैं बड़े जिनके बीच में अंदर खाने जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में इन नेताओं के बीच में सहमति किस तरीके से बनाई जाए उसको लेकर आज की ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया।